still waiting for our Zoomcar to arrive. We had already booked it. We booked it days ago, and we booked the pickup point and the return point at the Guwahati Airport. But yet, हमारी कार नहीं आई है. They said कि हमें रेलवे स्टेशन से पिक करना पड़ेगा. So we talked with the Zoomcar customer care and they said कि नहीं, pickup point airport ही है. So we are waiting कि कार आए. निया जो है अपना फीड करके सो गई है, एंड हम लोग अपना आगे की आइटनरी वगैरह प्लान कर रहे हैं. तो फाइनली एक घंटे के वेट के बाद हमारी कार आ गई है, एंड आवर जर्नी इज़ अबाउट टू स्टार्ट फाइनली. तो देखते हैं कार की कंडीशन देखते हैं, एंड मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दूंगा कि ज़ूम कार को कैसे लेते हैं, कैसे उसकी बुकिंग करते हैं, सो आपको भी लोगों को भी एक आइडिया हो जाए और आगे ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जैसी शायद मैंने आज करी है, जो जिस वजह से मुझे एक घंटा डिले हो गया. तो फाइनली हम लोग अपनी ज़ूम का रिसीव करने वाले हैं अब इन भैया से, एंड दिस इज़ आवर कार. सो गाइस, इन लोगों की थोड़ी लंबी चौड़ी चेकलिस्ट रहती है, आपको एक्चुअली कार पूरी हर तरफ से चेक करनी पड़ेगी. सो दिस इज़ आवर कार. एक्चुअली ये थोड़ी तरफ से डैमेज्ड है, तो ये सारी एंट्री आपको ऐप में दिखानी पड़ेंगी. जैसे ये डैमेज्ड है यहाँ पे, तो ये सारी एंट्रीज़ आपको दिखानी पड़ती हैं कार में, क्योंकि बाद में एक्सीडेंटल डैमेज अगर कुछ आता है या बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, उसके लिए सारा चीज़ें एंट्री आपको करनी पड़ेगी. उसके बाद ही आप अपनी कार अनलॉक करें, उससे पहले अनलॉक ना करें. तो मैं आपको अंदर की अब कंडीशन दिखाता हूँ कार की. इस कार इज़ एक्चुअली क्लीन. कार काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और जो इसमें फ्यूल है वो भी इन्होंने हाफ भर के दिया है. एंड ये इज़ ऑल सेट टू एक्सप्लोर, राइट? है ना निया? Yes, you are. It's almost 3, तो लंच का भी टाइम हो रहा है. अभी हम लोगों ने पहले जो डाला है ना, वो उमियम लेक का डाला है, क्योंकि वो शिलोंग के रास्ते में ही पड़ती है. तो अभी 3 बज रहे हैं और उमियम लेक का रास्ता दिखा रहा है 2.25 घंटे का, बट बीच में हमें लंच भी करना है. तो आई डोंट थिंक कि उमियम लेक हमें खुली हुई मिलेगी. सो लेट्स सी, हमें शायद डायरेक्ट शिलोंग में ही जाना पड़ेगा. उमियम लेक को हम लौटते समय कवर कर सकते हैं. हम लोगों ने एयरपोर्ट से निकलते ही एक छोटा सा स्टॉप लिया है, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़. एयरपोर्ट के पास ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे, बट हमने उनको ऑप्शन में नहीं लिया. हम सोच रहे थे कि आगे चल के थोड़ा सा खा लेंगे, बट आगे हमें कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला. तो आधे घंटे बाद हमने एक स्टॉप लिया है, और यहाँ पे कुछ हमें ये मिला है. ये पराठा है, ये कुछ चने आलू की सब्ज़ी है, पराठा इनका कुछ कुलचा टाइप का है, और हमने बिस्किट और चाय. तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टॉपेज लिया है. हमारे गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल कम हो गया था, तो हमने लगभग 1500 का पेट्रोल यहाँ पे डलवाया है. सो इट्स लाइक यहाँ पे 93 रुपीज़ पर लीटर है, तो हमने लगभग 1500 का पड़वाया है. तो अब गाड़ी अराउंड चल जानी चाहिए 300 से 400 किलोमीटर. आधी जर्नी तो कंप्लीट हो ही जाएगी इससे. हम लोग नोंगपो पार करते हुए आए हैं शहर को, और उमियम लेक की तरफ जा रहे हैं. उमियम लेक तो आई थिंक क्लोज़ हो गई होगी अब तक, तो वहाँ पे थोड़ा सा सीनिक ब्यूटी देखेंगे, बिकॉज मेघालय इज़ ऑल अबाउट सीनिक ब्यूटी. यहाँ पर आपको एडवेंचर आइलैंड्स और वाटर पार्क वो सब चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, बट इट्स ऑल अबाउट सीनिक ब्यूटी. अगर गुवाहाटी से शिलोंग की रोड कंडीशंस की बात करी जाए ना, तो रोड कंडीशंस बहुत ही बढ़िया हैं. मतलब गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है. 4 लेन हाईवे है, 2+2 पूरा डिवाइडर से सेपरेटेड है, और व्यूज़ आर अल्टीमेट. मतलब व्यूज़ का तो जवाब नहीं है, हर चीज़ कैमरे में भी नहीं दिखाई जाती, बट राइट नाउ दिस इज़ द व्यू. और ये आप पूरे गुवाहाटी से शिलोंग तक जाएंगे तो आपका ऐसा ही व्यू रहेगा. तो इट्स ऑल अबाउट नेचुरल ब्यूटी ओवर हेयर इन मेघालय, जो आप अपनी आंखों से देखेंगे. वो शायद कैमरे में कैद नहीं हो सकता, दिखाया भी नहीं जा सकता। तो इसका एक ही तरीका है देखने का कि आप खुद आइए और खुद देखिए कि मेघालय कैसा है। You know guys, ट्रैवलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि आपको अपने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कई चीज़ें देखने को और लर्न करने को मिलती हैं। हमारा पर्पस इन सारी अपनी ट्रैवल्स को व्लॉग्स में बनाने का मकसद यही है कि हम आपको भी इंस्पायर कर सकें कि आप ट्रैवल करिए, देखिए दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम अपने घर बैठे मिस आउट करते हैं। हमारा जो B&B है दैट इज़ 6.4 किलोमीटर्स और उसके 33 मिनट्स दिखा रहा है बिकॉज शिलोंग की एंट्री से पहले इट्स टोटली जैम पैक्ड। हम लोग आधे घंटे से लगभग जाम में फंसे हुए हैं और अभी अप्रॉक्स आधा घंटा 6 किलोमीटर्स में लग जाएगा। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड आवर होटल। 1 घंटा हमें लग गया लगभग 7 to 8 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में। पीक आवर्स था तो बहुत ज़्यादा जाम था, बट फाइनली रूम देख के थोड़ा अच्छा लगा है। सो दिस इज़ द रूम। थोड़ा छोटा है बट नीट एंड टाइडी एंड सफिशिएंट फॉर अस। नीट एंड टाइडी एंड ही इज आल्सो वेरी हैप्पी। है ना हैप्पी? यू आर हैप्पी? हां शी इज हैप्पी। सुबह से ट्रैवलिंग के बाद हम इतने टायर्ड हैं कि हमारा और कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। होल आइटनरी इज़ हमारी वो हो चुकी है, डामाडोल हो चुकी है। बट रास्ते में हमें डिलन्स कैफ़े दिखा था तो हो सकता है कि अभी फ्रेश होने के बाद अगर हिम्मत बचे तो हम डिलन्स कैफ़े जाएंगे। जिसमें हम रुके हैं दैट इज़ ड्यू बेड एंड ब्रेकफास्ट। दैट इज़ अ नाइस बेड एंड ब्रेकफास्ट, एक्चुअली बहुत बढ़िया है। बाहर का अभी अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, बट अंदर से मैं अभी दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने फाइनली हिम्मत जुटाई और अब हम डिलन्स कैफ़े जा रहे हैं बिकॉज़ इतने टायरिंग डे के बाद एक थोड़ा कुछ सेटिस्फाइंग चीज़ तो होनी चाहिए। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना कैफ़े चल के थोड़ा डिनर ही अच्छे से कर लिया जाए। तो डिलन्स कैफ़े हमने रास्ते में आते समय देखा था, काफ़ी अच्छा बना हुआ है और खाने में ऑप्शंस जो हमारे बेड एंड ब्रेकफास्ट जो है होटल जो है वहाँ पे उन्होंने बताया कि उधर ऑप्शंस कम रहेंगे बिकॉज It's just a cafe. So here we are at the Dylan's Cafe. सो दैट्स इट गाइस, आज का दिन हमारा पूरा हुआ एंड अब बस रूम पे जाके सोएंगे एंड वी विल स्टार्ट टुमारो और कल हम एक्सप्लोर करेंगे शिलोंग। सो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।